मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है बहुत बहुत इस सेशन में। और आज का ये सेशन, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बायोलॉजी के ऊपर, तो बायो के क्वेश्चन इसमें काफ़ी कुछ रखे गए हैं ताकि आपका ये भी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग कुछ को छोड़ करके, एक दो तीन ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो यहाँ पर उपस्थिति है, यानी कि जो अटेंडेंस है, वो बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा होने के नाते ये लोग बहुत अच्छा कामयाब भी करेंगे, तो उससे हमें भी कुछ करने के लिए एक उत्साह मिलता है कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। तो आज अच्छे में क्या है कि क्वेश्चन को हिंदी में बनाया गया है ना। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, सर हिंदी, तो हिंदी समय न रहने की वजह से नहीं बन पाता है। जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी इंग्लिश की, इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी या क्वेश्चन को अनुवाद करने में दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चंस रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन का डिटेल भी देखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि आखिर ये ऑप्शन है, इसके ऊपर भी और कैसा ऑप्शन आ सकता है, या इसके अलावा भी और कैसे क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सतीश जी, कल आपका पेपर है तो खूब अच्छे से तैयारी करिए। और अगर बहुत सारे लोग तो जा चुके हैं पेपर देने के लिए, तो बराबर संदेश आ रहा था कि सर आशीर्वाद आपका रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के संदेश आते हैं। एक तो विश्वास, इतना ज़्यादा विश्वास है, तो विश्वास केवल ये है कि आप खूब अच्छी से मेहनत करिए, और अच्छे से, जितने अच्छे से परिश्रम करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। और सभी के लिए हम ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सब बेस्ट हो, और बेस्ट हो क्योंकि हमें यहाँ दिखता है जब 99% लोग आंसर सही देते हैं, तो वो लगता है कि आप बेस्ट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। देखिए ग्लूकोज बहुत तरीके का हो सकता है, हेक्सोज भी हो सकता है, पेंटोज भी हो सकता है, टेट्रोज भी हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज का जिसे फार्मूला याद होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। हाँ संदीप जी, शाम रात में ही हम आपका क्वेश्चन देख लिए थे, सुबह होते ही उसका आंसर दे दिए, क्योंकि समय नहीं रहता है, इसलिए जिसका जिसका आंसर इम्पोर्टेंट होता है वो हम देते जाते हैं। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कैसा है, हेक्सोज शुगर है, पेंटो। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मान लेते हैं कि हम दिमाग लगा के करें तो फिर परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ग्लूकोज में हेक्सोज, पेंटोज, टेट्रोज ये सब किसके लिए होता है, कार्बन के लिए ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे ये जो C6 है, ये 6 क्या है, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, तो यहाँ पे जो C6 है वो आपका क्या हो गया, हेक्सोज। तो आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं बिना रटे, बिना कुछ सोचे, कि ग्लूकोज क्या है, कार्बन का ये हेक्सा है, तो यहाँ पर हेक्सागन बनेगा और ये हेक्सोज ही होगा, यहाँ पर और कोई आंसर नहीं होगा। चलिए आंसर मैच करा दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब जरा सा इसका तस्वीर देखा जाए कि ग्लूकोज का जो हेक्सोज बनेगा वो कैसे बनेगा, पूरा फुल कर दीजिए। ये देखिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे तीन और क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज जो टेट्रोज है, जिसे यहाँ पे ट्रायोज कहा गया है, व्हाट इज ट्रायोज सुगर, तो ट्रायोज सुगर्स को कहा जाता है ग्लाइसरेल्डिहाइड, यहाँ पे ये एक नया क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। और व्हाट इज पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर इज ऑल्सो नोन एज राइबोस, तो ये आपका एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और हेक्सोज का क्वेश्चन हमने बना ही दिया, तो हेक्सोज का क्वेश्चन आपके पास है, बाकी दो क्वेश्चन आपके यहाँ से और तैयार हो जाते हैं। ट्रायोज, तो ट्रायोज को ग्लाइसरेल्डिहाइड कहा जाता है, और राइबोस कहा जाता है पेंटोज को, तो ये जितने लोग हैं वो लिख लेंगे, है ना। और अगर इसका तस्वीर लेना चाहें तो तस्वीर भी आप अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अंकित जी, अंकित, आप जो हेक्सोज सुक्रोज, ये अगर इंग्लिश में अगर नाम याद रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि
ये नाम जल्दी से याद हो जाएगा और हिंदी वाला नाम याद नहीं होता है, इसलिए कोशिश करिए कि आप अंग्रेजी वाला नाम याद कर पाएं। जहाँ ज़रूरत है हिंदी की, वहाँ आप हिंदी देखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, यानी सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक जीव है वो कौन सा है, क्या वो माइकोप्लाज्मा है, क्या वो माइक्रोसिस्टिस है, क्या वो जीवाणु है और क्या वो हैजा है। जी बिल्कुल शुभम, आप तो जानकार हैं ही, डीएनए आरएनए में राइबोस होता है, ठीक है। चलिए इसको बता दीजिए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यस, अमन बोरा, कैरियर पावर का ही ये चैनल है, और कैरियर पावर का चैनल होने के नाते आप फैकल्टी भी कैरियर पावर से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बैक्टीरिया, क्योंकि हैं यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर जी जवाब दे दीजिए, क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, तो इट इज़ आल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे जीवाणु यानी बैक्टीरिया नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए, डीएनए इन ए सेल इज, जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, कार्बोसाइक्लिक एसिड होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है या एमिनो एसिड होता है या फैटी एसिड होता है। बहुत सारे लोग आरएनए और डीएनए के बारे में जानकारी यहाँ रख रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि डीएनए इन ए सेल, अगर किसी सेल यानी कोशिका में अगर डीएनए है तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड या फैटी एसिड। बी ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड, किसी किसी का ए ऑप्शन भी आ रहा है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या हो सकता है इसका उत्तर, यस बी न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए का संबंध न्यूक्लिक एसिड से होता है और वो सेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सेल का कभी सेशन होगा, ओपन सेशन होगा, तो उसमें हम इन चीज़ों की जानकारी देंगे कि व्हाट इज़ डीएनए एंड व्हाट इज़ आरएनए एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाफ में दिखाइए, हाँ, हाइपरप्लाज्मिया, हाइपरप्लाजिया जो है वो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज हाइपरप्लाजिया, क्या एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेल को कहा जाता है यानी कोशिका में असामान्य वृद्धि को कही जाती है, या फिर इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, क्या कोशिका में के आकार में वृद्धि को कहा जाता है, या फिर मांसपेशियों की अत्यधिक गतिशीलता को कहा जाता है। यहाँ तीन ही का मतलब है, चौथा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हाइपर जो प्लाजिया है उसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाइपर प्लाजिया किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सीडीएस में, व्हाट इज हाइपर प्लाजिया, तो इसलिए सीडीएस और एनडीए के जितने एस्पिरेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि हो सकता है इसमें चीज़ें रिवाइज हो जाए, और एसएससी के लिए तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई है, निश्चित है ये आ सकता है। अच्छा वाकई बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त आंसर आ रहे हैं भाई, चलिए तो देख लेते हैं, आंसर आपके आ चुके हैं, हमें मिल गया, देखिए 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं, 90% लोग, तो जरा सा इसका आंसर बता दीजिए, यस एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेल इज नोन एज हाइपर प्लाजिया। तो हाइपर प्लाजिया किसे कहते हैं, जब हमारे सेल में असामान्य वृद्धि होती है, कोशिका में असामान्य वृद्धि होती है, और यही असामान्य वृद्धि आगे चल करके जब ट्यूमर का रूप ले लेती है तो आगे कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कैंसर का कारण बनती है, या फिर अर्बुद जिसे कैंसर कहा जाता है, हिंदी में अर्बुद कहा जाता है, अंग्रेजी में कैंसर, या फिर यह ट्यूमर का कारण बनती है।
चलिए अगला प्रश्न का देखा जाए क्या है। अगला प्रश्न, विपुल सहानी जी, हम कोशिश करेंगे अपने टेक्निकल टीम से कह देंगे कि आपको इसका पीडीएफ तैयार करके दे दें, है ना, और अगर मिल जाता है आपको तो बड़ी अच्छी बात होगी, कोशिश करेंगे हम। आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, आरबीसी जो है वो वायवीय श्वसन नहीं करता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का जो एरोबिक यानी ऑक्सीजन का इसमें रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें शामिल नहीं है। आखिर आरबीसी में क्या नहीं है जो इसके एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन को संपादित नहीं करता है, क्या चीज़ नहीं है? वाह प्रमोद हेगड़े, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा जवैस। अमित कुमार का भी आंसर अच्छा है, विजय कुमार, संधु ऑलरेडी हैं ही, ट्विंडा खानम नई, लगता है ये नए लोग हैं। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर। तो कंप्यूटर जी इसका जवाब दे दिया जाए, क्या हो सकता है इसका जवाब? यस डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जिम्मेदारी जो है वो है किसके ऊपर? वायवीय श्वसन के ऊपर। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, दो दो चीज़ें इसमें दी गई हैं, कुछ लोग इसमें न्यूक्लियस उसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो न्यूक्लियस सही होता, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं इसलिए आप चूज़ करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज, यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेक्टिव बना दिया गया था, दोनों चीज़ रख करके। हम ये देखना चाहते थे कि किस तरह से चीज़ें तैयार हैं आपकी, बिल्कुल बहुत अच्छा तैयार है, कुछ लोगों ने इसमें दिया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पे आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो आप न्यूक्लियस को टिक करेंगे, और अगर न्यूक्लियस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सारा ये उपाय करता है वायवीय श्वसन का। अगला प्रश्न, यहाँ पे इन चीज़ों को देख लीजिए कैसे है, ये जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है। इसमें है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ करता है, कैसे हमने कहा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा, उसकी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, हाँ बिल्कुल प्रदीप, इसमें है थोड़ा सा, इसीलिए इसको हमने नोट डाउन करा दे रहे हैं आपको, ताकि आप इस चीज़ को समझ लें कि जो हमारा वायवीय श्वसन होता है वो केवल न्यूक्लियस से नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियस अगर उपस्थित है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेस एनर्जी इन ग्लूकोज टू मेक एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनाता है। फिर एरोबिक, एरोबिक का मतलब ही होता है यूजिंग ऑक्सीजन। अगर ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप इसको बता सकते हैं कि एरोबिक यानी कि जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अकर्स इन थ्री स्टेजेस, ये थ्री स्टेज में होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है आपका कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके स्टेजेस कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो आपको ऑप्शन ये मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसका नाम भी दे दिया कि ग्लाइकोसिस, कर्ब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ये तीन ऐसे जो चक्र हैं, उन चक्रों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, नीचे जो लाइन है, इन ग्लाइकोसिस ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। तो यहाँ पे जो पाइरूवेट में बदल जाता है ग्लाइकोसिस के द्वारा ग्लूकोज के दो अणु, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस श्वसन में ग्लूकोज के अणु जो हैं वो दो भागों में बंटते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है इन ग्लाइकोसिस। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ग्लाइकोसिस के द्वारा ही ग्लूकोज स्प्लिट होता है, ग्लूकोज दो भागों में बंटता है, दो तरह के अणुओं में बंटता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और हो जाते हैं अगर ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लेते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो भटकती हुई आत्मा है, तो उनके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल अपना काम करिए। क्योंकि जब ये तो पता है कि जो जब ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में कुछ जीवित भी हैं और कुछ मृत भी हैं, मृत माने आत्माएं भी हैं। तो हमें लगता है इस ग्रुप पे भी बहुत सारी आत्माएं भटकती हुई आ रही हैं, और वो आत्माएं भटकती किस लिए हैं? क्योंकि उन्हें एक शरीर चाहिए, ताकि वो उस
शरीर को धारण कर सकें, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये पहले ही खत्म हो चुके हैं और बस इनका कुछ ही ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को ये लेके चल रहे हैं। तो उस पर आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिबेट हो जाते हैं इस पर, अलग अलग क्वेरी करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि अगर रक्त हमारी धमनियों में बहता है, यानी हमारे ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड बह रहा है, तो वो जमता क्यों नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो जम क्यों नहीं रहा है, क्या वह हेपेरिन के वजह से नहीं जम रहा है, क्या वो प्रोथ्रोम्बिन के वजह से नहीं जम रहा है, क्या वो हीरोडिन की वजह से नहीं जम रहा है, या क्या वो हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं जम रहा है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर देना है कि ब्लड फेल क्यों हो जाता है क्लॉटिंग में हमारी धमनियों के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, काफी अच्छा तैयार है आपका। चलिए आंसर इसका दे दीजिए, क्या होगा आंसर इसका, ए हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे रक्त की धमनियों में मौजूद होता है और वो हमारे रक्त को नहीं जमने देता है। जरा उसका व्याख्या भी अगर हो तो दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। यस, देखिए ये व्याख्या पूरी तरह से हिंदी में लिखा गया है, आप इसे लिख लीजिए। क्या होता है हेपेरिन? हेपेरिन एक स्वाभाविक रूप से मौजूद रहने वाला थक्का रोधी है, जिसका उत्पादन बेसोफिल और माश ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें एक आपका नया क्वेश्चन बन गया कि जो हिपेरिन है वह प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो हिपेरिन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बेसोफिल और माश जो आपका टिश्यूज हैं उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। हिपेरिन थक्कारोधी के रूप में काम करता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, जहाँ यह थक्कों और मौजूद थक्कों को खून के भीतर विस्तारित होने से रोकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई थक्का, कोई जो क्लॉटिंग है वो हमारे वेसल्स में आ गया, तो ये क्या करता है, उस क्लॉट को भी ख़त्म कर देता है ना। अगर ये ना होता तो वो क्लॉट मौजूद होता और वो जाकर के कहीं ना कहीं हार्ट अटैक कर देता, ब्रेन हैमरेज कर देता, कुछ भी कर सकता। तो ये उन चीज़ों को भी ख़त्म करता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। नीचे जो तीसरी लाइन है उसको बड़े ध्यान से देखिए, जब हेपेरिन उन थक्कों को नहीं तोड़ता है जो पहले से बन गए हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऊतक प्लाज्मिनोजन उत्प्रेरक। जो जिस प्रोसेस से ये तोड़ता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊतक प्लाज्मिनोजन उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, यह शरीर के प्राकृतिक थक्का लाइसिस तंत्र को बन चुके थक्कों को तोड़ने के लिए सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो थक्कों को तोड़ने के लिए ही बना है। तो ये क्या, कौन सा कहलाता है, क्लॉटिंग लाइसिस जो है वो सिस्टम है। तो क्लॉटिंग लाइसिस जो सिस्टम है वो क्या करता है, हेपेरिन के द्वारा संदेश पाता है कि हम एक क्लॉट को नहीं तोड़ पा रहे हैं और उस क्लॉट को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लॉट तेजी से किस तरफ बढ़ रहा है, हार्ट वेसल्स की तरफ बढ़ रहा है या ब्रेन वेसल्स की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो थक्का लाइसिस सिस्टम है वो जाकर के उन थक्कों को तोड़ देता है। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, हेपेरिन याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा कि हेपेरिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो बेसोफिल और मास्ट के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न, अब देखिए शुरू हो गया, अब अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी हिंदी, है ना, समझिए उसको, चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, कौन सी टिश्यूज है, बेसोफिल और मास्ट, ये क्या करती है, प्रोड्यूस हेपेरिन। बस कुछ नहीं याद करना है, ज्यादा थोड़ी आपके एग्जाम के लिए, देखिए एग्जाम देना एक कला है और एग्जाम में वही चीज आपको देखना है जिन चीजों के ऊपर कोई नहीं ध्यान दे पाता है और वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल। अब कौन सोचता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मौजूद होगा, कॉपर, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीशियम। तो हमें लगता है देखिए 100% लोग इसका आंसर जवाब दे दे रहे हैं आयरन। तो क्या अब इसमें कोई शंका है, नहीं है, आप जान रहे हैं, अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हमारे शरीर में भी एक मेटल है, वो कौन सा मेटल है, आयरन।
चलिए अगला प्रश्न। ऑफ विच टिश्यूज नेल आर मेड ऑफ, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे नाखून हैं वो किन चीजों से बने होते हैं, क्या वो क्यूटिकल है, क्या वो ट्यूनिसिन है, क्या वो चिटिन है और क्या वो केराटिन है। इसका नाम वही हिंदी में भी रखा जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन आप इन नामों को याद रखिए तो वो ज़्यादा आपके लिए जल्दी से याद होने वाला होगा। कुछ लोग शिकायत कर देना सर हमें याद नहीं होता है, इसलिए नहीं याद होता है क्योंकि हम लोग की वर्ड को ध्यान में नहीं रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे नाखून किससे बनता है, जैसे हमने क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन दिया था खून में कौन सा तत्व है, खून का रंग लाल क्यों होता है, तो ये सारे की वर्ड्स हैं जिसको आप आराम से याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग क्यूटिकल दे रहे हैं, कुछ लोग केराटिन दे रहे हैं, और भी कोई आंसर दे दो भाई, चौथा दे दो। हाँ देखिए चिटिन चौथा भी दे दिया, गुड। कंप्यूटर जी जवाब दीजिए, यहाँ पे केराटिन है, केराटिन से ही हमारा नाखून बनता है। तो और जरा केराटिन के बारे में जानकारी दे दीजिए, जाकि केराटिन से अगर और कोई भी क्वेश्चन उठता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे अब इंग्लिश हिंदी का झगड़ा समाप्त है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने लिख दिया है। देखिए पहले इंग्लिश वाला पढ़ देते हैं और समझा देते हैं। केराटिन इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ जहाँ जहाँ से बन सकता है वहाँ वहाँ से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर नीले रंग से रखा गया है ना, तो वो क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इट इज़ अ की स्ट्रक्चरल मटेरियल मेकिंग अप। अब यहाँ देखिए केवल हमने एक नाखून दिया था, यहाँ पे इतने सारे उदाहरण हो गए हैं। अब अगर यहाँ से हेयर के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए, हॉर्न सींग के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए, क्लॉज के ऊपर पंजे के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए, हूफ्स जो खुर होता है पशुओं का उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाए, है ना, तो आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, और जो हम मानव शरीर का जो बाहरी लेयर होता है वो भी आपका केराटिन से बन जाता है। केराटिन इज ऑल्सो द प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट एपिथीलियल सेल फ्रॉम डैमेज और स्ट्रेस। तो यहाँ पे एपिथीलियल सेल को प्रोटेक्ट करता है ये। अब इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप इस चीज को तुरंत लिख लीजिए या फिर इसका इमेज ले लीजिए, यहाँ से इतने क्वेश्चन और बन सकते हैं जैसे वो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है। गुड रोशन, बहुत अच्छा, आपने एक साइड में सारी चीजें बता दी। चलिए अगला प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल। ये देखिए बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको एक नया संदेश भी दे देगा कि आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति है जिसे अचल संपत्ति कही जाती है, और वो अचल संपत्ति सेल में है। अब सेल में जब अचल संपत्ति है तो वो क्या है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो फैट है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड है, या क्या वो प्रोटीन है। चलिए सूरज जी ये सारा लेबल है, SSC भी है, ALP भी है, RPF भी है, ग्रुप डी भी है, सारे लेवल हैं इसमें। यहाँ पे आंसर सी ज्यादा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज द इमोव प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। गुड, बहुत अच्छा, चलिए आंसर मैच कराइए, देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। सी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अगर है तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जो कोशिका में मौजूद है, और जब हमारे कोशिका में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हम एक जीवित और सक्षम प्राणी हैं, और वही हमारी अचल संपत्ति होती है, और उसी के नाते हम लगातार चलते हैं। जब सेल डेड होता है तो सबसे पहले नुकसान किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का, यानी अचल संपत्ति का। तो न्यूक्लिक एसिड इज़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। हाँ न्यूक्लियस में रहता है जी, बिल्कुल। ठीक चलिए अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल। अब यहां पे देखिए डाइजेस्टिव बैग की बात आ गई, यानी कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं हमारी कोशिकाओं में जो हमारी कोशिकाओं को पचाने का भी काम करते हैं। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर तत्व है, ऐसा कौन सा जो मतलब
ऑर्गेनलीज है, कोशिकांग हैं जो हमारे लिए जाने जाते हैं डाइजेस्टिव बैग, या उसे दूसरे नाम से कहा जाता है सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम है क्या, वो राइबोसोम है क्या, वो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, वो गॉल्जी बॉडी है, कौन है? मे बी वाला वर्ड यहां सही नहीं होगा। चलिए आंसर बता दिया जाए, आंसर क्या होगा यहां पर? ए, यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं कि जो खराब सेल हो जाते हैं, जो सेल डेड हो जाते हैं, उनको वो पचा देता है। अब यही स्थिति होती है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यही जो लाइसोसोम्स है यही सक्रिय होता है हमारे शरीर में, और ये सक्रिय होने के बाद हमें मृत्यु के मुंह तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो सारे सेल्स को फिर डिके करने लगता है। इसके इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकर जितने भी लोग होते हैं, वो सारे लोग इससे लाइसोसोम्स की प्रोसेसिंग से बहुत कम प्रोसेसिंग में आते हैं, क्योंकि ये उसी समय एक्टिव होता है जब कोई सेल डेड होता है, वैसे ये एक्टिव नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, अब यहाँ पे 7 तो है, अगर जिन लोगों ने 7 ही याद करके रखे होंगे तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन हैं जो एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं कौन सही जवाब देगा। हाँ रोशन, इसमें सुसाइड इसे सुसाइड हमने पहले बताया ना, इसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। भगवान साहू तो लगता है आंसर सही कर गए। यस, हम अब देखना चाहते हैं किसका आंसर गलत हो रहा है, अभी तक तो सारे आंसर सही मिल रहे हैं, लगता है इस प्रश्न को 100% लोग कर ले जाएंगे। यस, तो यहाँ पर पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना है? 7.4। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हुआ, 7.4। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? जितने लोग लाइक्स बटन का इस्तेमाल नहीं किए हैं वो कर ले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लाइक बटन का इस्तेमाल, लाइक बटन का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, लाइक बटन का मतलब होता है हम आए तो थे आपके क्लास में, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए थे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं बोला था। तो यहाँ पे लाइक बटन दबा करके, यहाँ कोई आप किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस ये कह रहे हैं कि यस हम प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट को बताने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी लोग जो डिसलाइक करते हैं, वो तो हम कह रहे हैं ना भटकती हुई आत्माएं होती हैं, तो हमेशा नेगेटिव जितनी भी होंगे, जितने भी नेगेटिव लोग होंगे, वो डिसलाइक ही की तरफ जाएंगे, और वो समझ लीजिए कि उसी तरीके से उनके शरीर के जितने हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और उनका लाइसोसोम भी उसी तरह एक्टिव हो जाता है। तो ये कोई मजाक नहीं है, इसको हंसने की बात में मत ले जाइएगा, गंभीरता से सोचिए कि एक चीज़ों को पॉजिटिव सोचना, एक चीज़ों को नेगेटिव सोचना, दोनों में फर्क होता है, और आपकी प्रवृत्ति वैसे ही बन जाती है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हम इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आप कैसे खत्म होते हैं और कैसे आप एक एग्जाम में टॉपर बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कब्र है तो कब्र बहुत सारे लोगों की हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है और सेल्स की भी हो सकती है, तो अभी सेल की कब्र की बात हम लोगों ने किया, अब यहाँ पे आरबीसी के कब्र की बात आ जा रही है, तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? लीवर, बोन मैरो, अपेंडिक्स और स्प्लिन। तो यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा हाई लेवल की जानकारी रखते होंगे वो कहेंगे सर यहाँ पे लीवर भी हो सकता है, स्प्लिन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही आप कह सकते हैं, लीवर और स्प्लिन दोनों ही कहा जाता है, लेकिन जब ग्रेव यार्ड का नाम आता है तो लीवर नहीं होता है, तब स्प्लिन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? स्प्लिन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिए। वाह कंप्यूटर जी, एकदम आज तो आपने खुश कर दिया। यहां दिखा दीजिए स्प्लिन कहां होता है, ये देखिए, ये मानव शरीर है और इस मानव शरीर में स्प्लिन, आप शायद जो लोग बायो के स्टूडेंट हैं वो तो देखे होंगे, नॉन बायो वाले आज देख लें, स्प्लिन आपका
जो आमाशय होता है आमाशय के ठीक ऊपर होता है, और कभी कभी जब स्प्लिन में सूजन आ जाती है, तो स्प्लिन संबंधी कोई भी बीमारी अगर होती है, तो पेट के जो बायां साइड होता है, बायें साइड में ऊपर के तरफ काफ़ी दर्द होता है, और दर्द के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग लक्षण दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्प्लिन है। अब देखिए, ये आपका जो सुपीरियर वेना कावा है उससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ आपका जो आरबीसी है वो आकर के ख़त्म हो जाता है। यानी अगर आरबीसी 120 दिन तक हमारे शरीर में ज़िंदा है, तो 121वें दिन ये अपने आप स्प्लिन में आकर के ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद नया जो है आरबीसी यकृत के माध्यम से और बोन मैरो के माध्यम से जन्म ले लेता है। और स्प्लिन की एक खासियत भी है कि ज़रूरत पड़ने पर ये आपको ब्लड की सप्लाई भी देता है, लेकिन वो फिर अंतिम दशा होती है, उसके बाद तो फिर इंसान को बचाना भी मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपर केयर ना किया जाए। तो यहाँ पे कुछ और भी है सूचना आपके पास, तो वो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, प्लीहा के कार्य क्या होते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लिन को प्लीहा, तो हिंदी वाले ज़रा खुश हो जाएं और इन चीज़ों को नोट कर लें। कंप्यूटर जी देखिए, आपकी आपकी जय जयकार हो रही है भाई। यहाँ पर ये क्या है, गर्भ की प्रारंभिक अवस्था से रक्त कणों का निर्माण करती है, और साथ ही साथ ये रुधिर कणों का विघटन भी करती है। प्लीहा में लौह की मात्रा अधिक मिलती है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है आपके एग्जाम में कि प्लीहा में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं प्लीहा में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि प्लीहा क्या किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म का काम करती है, किस चीज़ को उपापचय का काम करती है, तो प्रोटीन का उपापचय का काम करती है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्लीहा किसका निर्माण करती है, तो वो यूरिक एसिड के निर्माण में सहयोग देती है। पित्तरंजक, पित्तारुण और पित्तहरित निर्माण करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो काम करते रहते हैं। यह पाचक नलिका विशेषतः रक्त वाहिनियों के कोष का कार्य करती है, क्योंकि भोजन के पाचन काल में यह संकुचित होकर पाचन के हेतु रुधिर को बाहर भेजती है। ये जब जैसे ही भोजन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, तो इस लेवल में ये जो है वो अपने आप को संकुचित करके मदद करती है भोजन के पाचन में। इसमें से एक विशेष तरीके के हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, जो आमाशयी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके जितने पॉइंट्स हैं उतने नए क्वेश्चन बन सकते हैं। 6 पॉइंट्स यहाँ बनाए गए हैं और 6 नए क्वेश्चन आपका प्लीहा से बन सकता है। अब अगर मान लेते हैं SSC कितना भी क्वेश्चन बनाएगा, तो छः से ज़्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा, इसी में से तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अगला क्वेश्चन, यस ईशानी जी, यहाँ पे ब्लड बैंक बोला जाता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में। और हमने पहले बताया ना कि अगर प्लीहा आपको रक्त देने का काम शुरू कर दिया, तो वो समझिए लास्ट स्टेज होता है, काफ़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, जौ जबड़ा किस में नहीं पाया जाता, चिड़िया में, फिश में, रेप्टाइल में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए कौन बता पाता है कि जबड़ा किसमें नहीं पाया जाता है, बर्ड, फिश, रेप्टाइल, या इनमें से कोई नहीं। नन, तो पाया किसमें जाता है, ये देखते हैं कौन लिख के देता है कि जबड़ा किसमें पाया जाता है, ये बता दीजिए। चलिए, कंप्यूटर जी ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा दीजिए। जबड़ा यहाँ पर तो थोड़ा सा स्लाइड छोटा कर, अच्छा चलिए, प्रोटोकॉर्डेट जो है होते हैं उन्हीं में जबड़ा एब्सेंट रहता है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉर्डेट? प्रोटोकॉर्डेट जो है वो एक तरह का अनौपचारिक श्रेणी है जानवरों की, इनफॉर्मल कैटेगरी है। इसमें मेनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्क्राइब इन वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू वर्टिब्रेट। यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कशेरुकी होते के साथ साथ यहाँ पर अकशेरुकी की तरह भी व्यवहार करते हैं। दिस ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड द सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे जितने ये दिए गए हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब जो हैं इस समूह के होते हैं, यानी प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक चित्र होना चाहिए जिसमें दिखा दीजिए कि कैसे प्रोटोकॉर्डेट दिखते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नोटोकॉर्ड का चित्र होगा, तो वहां से इन चीजों को भी बता देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट हैव, यहाँ पे हमने इनवर्टिब्रेट की बात की, जिसमें कि कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जिनमें क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, बॉडी कैविटी, गिल्स, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। चित्र आएगा, आएगा चित्र आएगा, वो चित्र नोटोकॉर्ड के लिए रखा गया है। तो चलिए इसका भी चित्र दिखा दीजिए, नोटोकॉर्ड कैसा होता है। इसके आंसर ये है, ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बीच एक पूरा ठोस पदार्थ होता है, जिसे पृष्ठ रज्जु हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है नोटोकॉर्ड। कशेरुकी जंतुओं के अवलंबन के लिए ये आंतरिक कंकाल की तरह होते हैं। इसमें पेशी संचलन की भी सुविधा होती है और इस कंकाल के पृष्ठ भाग में एक लंबी सी पतली शलाका होती है, और वो शलाका पुच्छ भाग से लेकर के और सिर तक, यानी जो हमारा टेल होता है, टेल से लेकर के हमारे गर्दन के ऊपर कपाल तक फैली रहती है, और ये अति विकसित कशेरुकों में ये रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और जो नहीं होते हैं, जो पूर्ण तरीके से विकसित कशेरुकी नहीं होते हैं, उनमें कि ये केवल नोटोकॉर्ड पाया जाता है, न्यूरल आर्च पाया जाता है, और इंटर कैलरी प्लेट्स पाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं पाई जाती। तो ये आपका इस तरीके से नोटोकॉर्ड दिखता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। आपने बहुत सारी मछलियाँ देखी, डॉग फिश देखा, सिल्वर फिश देखा, स्टार फिश देखा, सेल फिश देखा। अब आपको बता दीजिए इसमें कौन सी ऐसी मछली है जो वास्तव में मछली होती है। चलिए जितने बंगाली यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो बंगाल से हैं या जो मछली खाने में माहिर हैं, है ना, वो जरा सा बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। चलिए देखते हैं कितने लोग फिश खाने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। बी ऑप्शन, सिल्वर फिश। गजब, पात्रा जी सिल्वर फिश खाते हैं। ओके, कोई सेल्फिश भी खा रहा होगा। एक का आंसर अभी तक सही आया है। चलिए आंसर मैच करा दीजिए, देखते हैं किसका सही जा रहा है। कंप्यूटर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। ए यानी डॉग फिश। डॉग फिश जो है वो असली मछली है। अब आप कहेंगे सर डॉग फिश असली मछली है तो बाकी कैसे दिखते होंगे, तो बाकी में तो समय कम होने की वजह से ज़्यादा चित्र नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ दिखाइए जरा डॉग फिश कैसी है। भाई डॉग फिश देखते हैं कैसी है, ये देखिए पूरा चित्र दिखा दीजिए, ये है आपकी डॉग फिश। तो डॉग फिश इज अ रियल फिश, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना, डॉग फिश इज द रियल फिश। तो डॉग फिश रियल फिश के बराबर हो गई। अब यहाँ पर एक और नाम आया है सिल्वर फिश, तो जरा उसको भी दिखा दीजिए वो कैसे दिखने में लगती है। सेकेंड फोटो ये देखिए, ये है सिल्वर फिश। तो क्या इसको खाए जाएंगे, ये तो केकड़े की तरह लग रहा है, केकड़ा भी नहीं है, ये झींगे की तरह लग रहा है। ये है सिल्वर फिश, समुद्री मछली है। इसका जो ऊपरी वाला सल्क है ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसे कहा जाता है सिल्वर फिश। और वो जो पहला वाला चित्र था, कुत्ता मछली नहीं इसको कहते कुत्ता मछली नहीं है ये। जरा सा फिर से कुत्ता मछली को दिखाइए, डॉग फिश को फिर से दिखाइए। देखिए ये है डॉग फिश, कहाँ से कुत्ता नजर आ रहा है, इसका चेहरा तो कुत्ते जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका डॉग फिश, और ये रियल फिश में आता है, बाकी रियल फिश नहीं है, ठीक है। स्टार फिश, स्टार फिश, भाई हमने कहा रियल फिश, रियल फिश और स्टार फिश में अंतर है ना, ग्रुप में भी अंतर है। जब उसके ग्रुप में जाएंगे तो ये आपका पिसीज में आ जाएगा, लेकिन वो पिसीज में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क नहीं है भाई, सार्क अलग होता है। अब समय होता तो कंप्यूटर जिसे कहते सार्क भी दिखा दीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे अब आपको ये बताना है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जो लोग थोड़ा सा तैयार होंगे वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके मदद से होता है, क्या वो एरिथ्रोसाइट्स हैं,
क्या वो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, क्या वो लिम्फोसाइट्स हैं, या क्या वो ल्यूकोसाइट्स हैं। वाह संधू, बहुत सही, आपका आंसर सही हुआ। और किसका आंसर सही हो सकता है? मनोज का आंसर सही हो गया है, राजीव का आंसर सही हो गया है, ऋषभ आंसर गलत, अकबर का आंसर सही हो गया है, प्रिंस का गलत हो गया है। चलिए कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, किसका किसका आंसर सही। यस, एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे हम आपको बता दें कि एरिथ्रोसाइट्स जो होता है उसे कहते हैं RBC, जो एरिथ्रोसाइट्स है वो क्या है, RBC, और ल्यूकोसाइट्स जो है वो है आपका WBC, और थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो आपका है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो और एरिथ्रोसाइट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं, तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये होगा ना कि RBC जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे RBC का जो है वो रासायनिक नाम, या ये कह लीजिए कि बायोलॉजिकल नेम जो है, ये वो असली नाम यही है इसका, एरिथ्रोसाइट्स। RBC का असली नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप एक बार अपना जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप या फिर मोबाइल, उसे आप रिफ्रेश कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। इसमें ऐसा कौन सा है जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स है? एस्कैरिस, हाइड्रा, फैसियोला, या अर्थवर्म। यहाँ पे आपको बता दें मोनोजेनेटिक क्या है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है एक ऐसा परजीवी, एक ऐसा पैरासाइट्स जो अपने ही साम्राज्य को फैलाता है, बाकी किसी दूसरे के साम्राज्य को रहने नहीं देता है। अगर वो मानव पर हमला कर दिया है तो फिर वहाँ पर केवल वही रहेगा, बाकी दूसरा नहीं रहेगा। गुड मनोज, आपका बहुत अच्छा तैयार है। चलिए यहाँ पर आंसर बताया जाए, कौन कौन सा आंसर यहाँ होगा। आंसर है ए, एस्केरिस। क्या मोनोजेनेटिक के बारे में कुछ और सूचना आप रखे हैं तो वो भी दिखा दीजिए, फुल फ्रेम में दिखाइए। ये देखिए, मोनोजेनेटिक के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। व्हाट इज मोनोजेनेटिक? मोनोजेनेटिक जो है वो फ्लैट वर्मों के किसी वर्ग से संबंधित या किसी मेजबान पर अपने पूरे जीवन चक्र में एक्टोपैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। यानी मोनोजेनेटिक मीन्स रिलेटिंग टू और बीइंग एनी ऑफ अ क्लास ऑफ फ्लैट वर्म्स दैट ऑर्डिनली लिव एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन अ सिंगल होस्ट थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ साइकिल। यानी जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो एक ही तरीके से रहते हैं, उनका जीवन बदलता नहीं है। तो स्कैरिस किसे कहते हैं? स्कैरिस जो होता है वो मानव शरीर के जो पेट है, आंत है, उस आंत में पलने वाला केंचुआ है। हटा दीजिए स्लाइड, हाफ कर दीजिए कंप्यूटर जी। यस, यहाँ पे स्कैरिस क्या है? मानो जो शरीर है, मानो शरीर के जो आंतों में केचुआ जो होते हैं वही हैं, और ये पूरे अपने जीवन काल में एक मोनोजेनेटिक के रूप में होते हैं, और ये पूरा एक्टोपायराइट्स के रूप में ये अपना जीवन चक्र चलाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे अंजलि लिख रही हैं कि एस्कैरिस आर मोनोजेनेटिक पैरासाइट, बस इतना दिमाग में रखना है तो वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन द वॉटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कॉकरोच जो है वो सर्वाइव नहीं होता है पानी में, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल है, या फिर बुक्स लंग है, या फिर पल्मोनरी सैक है, या ट्रैकिया है। किस वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाता है तो इसका आपको जवाब देना है। अभी अभी यहाँ से सूचना आई है, जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उन्होंने कहा है कि CTET भी हम लोग लाइव लॉन्च करने जा रहे हैं, और CTET से संबंधित जो लोग भी हैं जो लाइव क्लास लेंगे, तो जी यहाँ पे जितने लोग हैं वो CTET के बारे में एक बार ज़रूर अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि उनको जो फ्री क्लासेस हों CTET के बारे में वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? ट्रैकिया। गुड, तो दिखाया जाए जरा सा आंसर और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन।
आंसर है डी, यानी ट्रैकिया। ट्रैकिया के वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाता है पानी में, कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रैकिया, है ना। और ये कैसा दिखता है ये भी जरा बता, दिखा दीजिए। यस, पूरा दिखा दीजिए, पूरा फुल में करके। यस, नोट कर लीजिए इसे, और नोट करने के साथ साथ इसे लिखने का समय नहीं है, इसको आप इमेज इसका ले लीजिए। इन कॉकरोच रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग साइड्स। तो यहाँ पर ट्रैकिया इज अ डेंस नेटवर्क एरो इन एयर ट्यूब इन द इंटरनल सिस्टम एज अ ऑक्सीजनेटेड एयर फ्रॉम द एटमोसफियर इंटर्स इन टू कॉकरोच बॉडी। सिमिलरली द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर एक फोटो आप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस इंटरनल सिस्टम में कैसे काम करता है। तो दिखा दीजिए इनको। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा पूरा दिखा दीजिए, पूरा फ्रेम में, पूरे फ्रेम में दिखा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो छोटे इमेज में बना हुआ है वो आपका बना हुआ है पूरा का पूरा ट्रैकिया, और यहाँ पर जो पहला वाला फोटो है उसमें पूरा हेड से लेकर के आपको पूरा एनल सर्कस तक पूरा दिखाया गया है, जिसमें पूरा का पूरा ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का दिख रहा है। तो कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप देखते हुए इस चीज़ को यहाँ जान सकते हैं कि यह पानी में ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रह पाता। केकड़ा नहीं, यहाँ पर केकड़ा नहीं है, ये कॉकरोच है जिसे बहुत लोग डरते हैं। चलिए अगला प्रश्न। सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ सेल वॉल, यानी सेलुलोज जो है वो मुख्य भाग किसका होता है, सेल वॉल का होता है या सेल मेम्ब्रेन का, जाइलम का होता है या बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट्स का। विनोद जी कब होगी क्लास? हो सकता है आज ही हो जाए। तैयार रहिए सीटेट के लिए, अगर आप हैं सीटेट के लिए तो फिर तैयार रहिए। सेल वॉल, तो सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ सेल वॉल। चलिए आंसर मैच कराइए। यस, ए ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि संधू का आंसर सही है। संधू सहित पूरा 90% लोग, यस सही आंसर, गुड। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज सेलुलोज? या कंप्यूटर जी आपके पास है अगर कुछ तो वो भी दिखा दीजिए। यहाँ पे सेलुलोज जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C6H10O5। तो C6H10O5 जो है वो ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के नाते इसमें पॉलीसेक्राइड भी होता है, और पॉलीसेक्राइड के वजह से इसके होल एन को रखा गया है, और इसमें जो हज़ारों अणु जब इसके मिल जाते हैं सेलुलोज के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीमर में। इट इज़ अ मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये पॉलीमर, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपको पॉलीमर से क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा कि पॉलीमर किससे बनता है, पॉलीसेक्राइड से, और पॉलीसेक्राइड्स जो है ये सेलुलोज का एक पार्ट है, और बहुत सारे हरे पौधों में जो कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं वो सेलुलोज की ही बनी होती है, और कपास के रेशों में 90% हिस्सा सेलुलोज का होता है। तो ये भी क्वेश्चन PCS में पूछा जा चुका है कि कपास के रेशों में कितना परसेंट सेलुलोज पाया जाता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो जाएगा अगर क्वेश्चन बना। तो यहाँ पे जितने नीले रंग से दिखाए जा रहे हैं वो नीले रंग के सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। अब आपको ये बताना है क्या ब्रेन टिश्यू का उदाहरण है, या लीवर टिश्यू का उदाहरण है, स्टमक टिश्यू का उदाहरण है, या ब्लड टिश्यू का उदाहरण है। संधु जी, ह्यूमन पहले सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता था लेकिन अब नहीं कर पाता है, इसी का अवशेषांक जो हमारा बनता है वो हमारे पेट के दाहिने हिस्से में बड़ी आंत के ज्वाइंट पर ये बना होता है, जिसके वजह से हम अब उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और सेलुलोज इसीलिए बिना पचे ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊतक जो होता है इनमें से कौन सा है, ब्रेन है, लीवर है, स्टमक है, या ब्लड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लड। तो आंसर दिखा दिया जाए। यस, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज, द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज इज ब्लड।
क्या है, व्हाट इज अगर हम टीसूज की, केवल टीसूज की बात करें और इसमें बात करें कि इनसे और भी कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक स्लाइड और दिखाइएगा जरा सा। पहले तो आप जान लीजिए व्हाट इज टीसूज, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। ऊतक किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान और एक विशेष कार्य के लिए बनी होती है। साथ ही साथ अधिकांश ऊतक ऊतकों का आकार और आकृति लगभग समान होती है, लेकिन कुछ में असमानताएं भी पाई जाती है, ठीक है। और कोशिकाएं मिलकर के ही किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। ये तो चीज़ें एक नॉर्मल थी जिसे लगभग लगभग हमें लगता है कि सबको पता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, नेक्स्ट। कंप्यूटर जी नेक्स्ट कर दीजिए इसका। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं कितने तरह के ऊतक हैं हमारे शरीर में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस और जेनाइटल टिश्यूज, जिसमें जो ब्लड है वो कौन सा है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। और कनेक्टिव टिश्यूज में भी कितने तरह के पाए जाते हैं, जो वो पाए जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज जिससे बनता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज है, बोन कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर टिश्यूज, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो यहाँ पे लगभग 6 क्वेश्चन और आपको मिल सकते हैं खासकर कनेक्टिव टिश्यूज से। और आपको एक 7वां क्वेश्चन यहाँ ये मिल सकता है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि कितने तरह के टिश्यूज हैं मानव शरीर में, और ब्लड जो है वो किस टिश्यूज का उदाहरण है, यानी जो क्वेश्चन यहाँ बनाया गया था वो टाइप ऑफ 1 टिश्यूज का है। अभी एपिथीलियल पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मस्कुलर पे भी बन सकता है, नर्वस पे भी बन सकता है और जेनाइटल पे भी बन सकता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर जी कह रहे हैं भाई आप अब चीज़ों को थोड़ा बंद करिए। तो यहाँ पर जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज, जो भी 30 to 35 या 40 क्वेश्चंस जो भी हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार आप दोहरा लीजिएगा जो क्वेश्चंस हैं, और उस क्वेश्चंस के खास जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख करके जाइएगा, और उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेहद ही आसान क्वेश्चन बनेंगे, और उस प्लेटफॉर्म पे कठिन क्वेश्चन का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं, और उनमें कौन सा फार्मूला लगता है फिजिक्स का, उसमें कौन सा फार्मूला लगता है केमिस्ट्री का, और उसमें आपका बायो कहाँ तक छुपा हुआ है, ये भी आपका वहाँ पर ऐड मिल जाएगा, वो भी ऐड आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कल के पेपर की तैयारी करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है आप तुरंत हमें मेल करिए। 24 आवर्स हम उस मेल को ऑन रखेंगे, कहीं किसी का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का जवाब तुरंत आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो आज बस यहीं तक।